डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ मैथ चैप्टर नंबर फिफ्थ, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। आज आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। व्हाट इज एपी? एपी इज ए सीरीज। ऑल टेबल्स आर इन एपी, मीन्स टेबल मीन्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं पहाड़े। फॉर एग्जाम्पल, टेबल ऑफ टू, 2, 4, 6, 8, टेबल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, ये हमारी एपी में है। जितनी भी टेबल्स हैं, चाहे 2 की हो, 5 की हो, 10 की हो, सारी की सारी हमारी एपी में रही। अदर एग्जांपल ऑफ एपी, 2, 9, 16, 23। सेकंड है हमारी 14, 20, 26, 32। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एपी है? इसके लिए हम एक सीरीज लेके चलिए। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 14, 20, 26, 32। फर्स्ट टर्म इसकी 14, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 26, फोर्थ टर्म 32। जो फर्स्ट टर्म होती है एपी की, उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से। तो ए क्या हो गया? 14। ए, इसे हम A1 भी लिख सकते हैं। A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। अब हम डिफरेंस लेके चलते हैं इन टर्म्स का। सेकेंड में से हम फर्स्ट माइनस करेंगे, थर्ड में से हम सेकेंड माइनस करेंगे, फोर्थ में से हम थर्ड माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि फर्स्ट टर्म तो हमारी 14 है, लेकिन जब हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की तो क्या आया हमारा आंसर? 6। थर्ड में से सेकेंड माइनस की, यानी 26 माइनस 20, ये भी 6। 32 में से 26 माइनस किया तो ये भी क्या आया? 6। मीन्स ऑल डिफरेंस आर सेम, दिस इज एपी। अगर हमारा हर टर्म में डिफरेंस सेम है, जैसे यहाँ पे 7 का डिफरेंस लग रहा है, 7 प्लस 7 प्लस 7 एपी। अब जो ये डिफरेंस होता है, इंक्रीज है हो रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी सीरीज इंक्रीज हो, वो डिक्रीज भी हो सकती है। अदर एग्जांपल ऑफ एपी, 50 48। तो इसमें हमारा क्या हुआ? माइनस का 8 माइनस हुआ, यानी 8 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। नेक्स्ट हमारी फिर क्या बनेगी? 50 में से 42 गया, 42 आएगा आंसर, सॉरी माइनस 8, 42 42 है, उसमें से फिर 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 8 करेंगे वो टर्म। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया x, तो ये क्या आ गया हमारा? 8 माइनस करके 34। नेक्स्ट टर्म हमने मान ली y, तो 34 है, 34 में से 8 फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ गया? 26। दीज आर एपी। अब जो ये डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम एपी के लिए लेके चलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं हम डी से, और हिंदी में इसे कहते हैं सारव अंतर। तो हमने एग्जांपल उठाया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैथ से। एपी दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2। अब ये हमारा एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं 3/2, 1/2, -1/2। इसके अंदर हमारा क्या पूछा गया? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मीन्स डी। एज वी नो, फर्स्ट टर्म इज 3/2, डिनोटेड बाई ए और A1। नाउ हाउ डी इज कैलकुलेट? डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारी? 1/2, और इस फर्स्ट टर्म क्या है? 3/2। 1/2 -3/2, 2 LCM, 2 1 जा 2 1, 1 1 जा 1, -2 1 जा 2 1, 3 1 जा 3, -2/2 means -1। यहाँ से हमें देखने पे पता चलता है कि 3/2 है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट का means माइनस का 1। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा कितना गया? माइनस का 1।
थैंक यू।